हेलो याली मदद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने नूरी किचन में ला रही हूँ इमली की चटनी। इमली की चटनी ये बहुत ही टेस्टी बनती है मेरी, तो आप बनाइएगा। इमली की चटनी के लिए अपने को चाहिए ये एक चम्मच भरकर घर का मसाला है, ये चाट मसाला, ये एक चम्मच भरकर शुगर है, ये एक पाव चमची है ना काली मिर्च है, ये एक चम्मच भरकर आमचूर का पाउडर है, ये लाल मिर्च है, ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये सौंफ है, काला नमक है, टाटरी है, ये सूखा गार्लिक पाउडर है और ये अजवाइन है। इसको सबको अपन है ना इसमें डाल के बॉईल करके और फिर इसको पकाएंगे 5-10 मिनट, फिर इसको ब्लेंड करेंगे। ये 4 औंस इमली थी मैंने रात को भिगो के रख दी थी इसमें 4 औंस इमली, और इसके अंदर मैंने ये 2 लाल बड़ी मिर्च डाली है, इसको मैंने रात को भिगो के रख दिया था, ये अच्छी तरह से भिग गई है। और यहाँ पे ये 8 औंस गुड़ है, 4 औंस इमली है तो इसका डबल है 8 औंस गुड़। अब ये इमली डाल रहे हैं अपन, ये गुड़ डाल रहे हैं, ये सब सूखा मसाला डालेंगे, ये सौंफ है, ये सफ़ेद ज़ीरा है, लाल मिर्च की बुक्की है, इसको सबको अपन 5-10 मिनट पकाएंगे, जब गुड़ गल जाएगा तो इसको अपन ब्लेंडर में ब्लेंड करके बॉटल में भर लेंगे। अगर ज़्यादा तब में बनानी है तो आप ज़्यादा में बना सकते हो ताकि आप फ्रीज कर लो, ये फ्रीज में है 6 महीने तक ख़राब नहीं होती है चटनी। ये कोई भी चाट मसाला बनाना हो, भेल बनानी हो, छोले बनाए, सब चीज़ में ये चटनी काम आती है। इसको मैं पकने दूंगी तो ये गुड़ भी अंदर घुल जाएगा और ये अच्छी मज़े की गाढ़ी चटनी हो जाएगी। फिर इसको आप बॉटल में भर के रख सकते हो, फ्रिज में भी रख सकते, तो ये 3 महीने तक ख़राब नहीं होती है। अभी ये मेरी इमली की चटनी बॉयल हो गई है, अभी मैं इसको पीस रही हूँ। चलो अभी आज अपने इमली की चटनी बनाई, अभी फुदीने की चटनी बना रहे हैं। फुदीने की चटनी के लिए अपने को चाहिए ये एक गट्ठी फुदीना है, 1 बंच मिंट, ये 1/2 बंच ऑफ सिलेंट्रो, 1 ग्रीन चिली है ये, और ये 3-4 कड़ी लहसुन की है, और यहाँ पे चुटकी भर ग्रीन कलर है। यहाँ पे ये 1 चम्मच भरकर ने रोस्टेड ग्राम्स है, चने बोलते हैं इसको। यहाँ पे 1 चमची टाटरी है, 1 चमची ये नमक है, ये 1 चमची आधी, ये क्वार्टर चमची है ना तो ये काला नमक है, और ये 1 चम्मच भरकर है ना तो ये सफ़ेद ज़ीरा है, इसको मैंने रोस्ट करके और इसका पाउडर बनाया है। अब इसको अपन सबको पीसेंगे तो ये अपनी चटनी तैयार हो जाएगी। अभी अपन ये ब्लेंड चॉपर लिए, चॉपर में अपन ये मिंट डालेंगे, फुदीना, ये कोथमीर डालेंगे, सिलेंट्रो, धनिया पत्ती जो भी आप बोलो, ये हरी मिर्च है और ये लहसुन है। अब इसमें ये सब मसाला डाल देंगे अपन। पाव कप के जितना पानी डालेंगे, ये अपनी चटनी तैयार हो गई। चलो आज मेरी चटनियाँ तैयार हो गई है, ये इमली की चटनी है, ये बहुत ही अच्छी बनी है, टेस्टी है, आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, मज़ा आएगा आपको खाने में। ये है हमारी फुदीने की चटनी, ये भी अच्छी होती है, मज़ेदार होती है, आप दोनों चटनियाँ ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा, और मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कैसे बनी है, कैसी है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।